चलिए सो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 2, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, कोई बता सकता है? एनीवन ऑफ यू? मैम टेंशन के बारे में ओके पढ़े थे और नॉर्मल रिएक्शन शायद। मैम, टेंशन? टेंशन किस चीज की टेंशन है? टेंशन किस में पड़ी थी हम लोगों ने? FBDS, फ्री बॉडी डायग्राम किया था। और बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? और एक सेकेंड, मैं मेरा पेन टैब दोबारा डाउनलोड इंस्टॉल कर रही हूँ, एक सेकेंड दो बस। हाँ जी, देखिए सबसे पहले आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यही था ना? यस मैम, अच्छा, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम, मैं जो लिख रही हूँ दिख रहा है? यस ओके, तो हमने पहले मैम, डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग जो उठाने वाले हैं वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। आपके इस चैप्टर के अंदर सारे कांटेक्ट फोर्सेस हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट के अंदर और सरफेस के अंदर कोई कांटेक्ट है, कांटेक्ट फोर्सेस। इन्हीं में एग्जांपल्स हैं आपके, जब जैसे सबसे पहला है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सेकंड आपका है टेंशन इन स्प्रिंग या फिर रोड या फिर चेन, ठीक है। इसके बाद एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। इसके अलावा स्प्रिंग में जो फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स हो गया। तो अभी जो पढ़ने वाले हैं पहले ये दो पढ़ेंगे, फिर हम फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ेंगे, और जो स्प्रिंग वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है। और जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज है, जिसमें ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th में पढ़ोगे, और ग्रेविटेशन के ऊपर आपका पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने अलग अलग इनको डिस्कस किया था कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। मान लो आपके पास, इसको मैंने आई थिंक आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाया था। हाँ जी, यस किसी मैम। को प्रॉब्लम है? विवेक बोलो बेटा। मैम ये नॉर्मल रिएक्शन मैम एक्चुअल में होता है कि फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के लिए इमेजिनरी माना गया। नहीं, ये वहां पर है, फोर्स है वहां पर, तभी वो होल्ड कर रहा है ना वहां पे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट लॉ हमारे, देखो फिजिक्स हमारे जो लॉज देती है वो जो आपके नेचुरल लॉज है उनको देखते हुए बनाया गया, ठीक है। तो वो जो वहां पर रखा है वो क्यों रखा है, ये जो फोर्सेस है बैलेंस कर रहे हैं, तो ये लॉ बनाया गया ना। हमें समझ में आता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे जब तक हम फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, ये लॉ बनाया गया। तो अगर कोई फिजिक्स के टर्म में अगर कोई चीज रखी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ, अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा उसको होल्ड, ठीक है। ये होता है, और ये क्यों होता है, जब भी आप कोई चीज रखते हैं किसी के ऊपर तो डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट, अगर मान लो आप, आपके पास स्पॉन्ज अगर होता है, अगर आप उस पे ऐसे फिंगर रखते हैं तो दबता है ना, थोड़ा सा दबता है, नहीं दबता? जो भी स्पॉन्ज, पता यस है ना मैम, आपको, स्पॉन्ज बॉल होती है, अगर आप उस पे फोर्स लगाते हैं तो दबता है, लेकिन उसमें हमको दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर जो आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है स्पेस होता है, एयर होती है, आप दबाते हो स्क्वीज हो जाता है। लेकिन जो हमारे रिजिड बॉडीज हैं इनमें आपको डिफॉर्मेशन दिखाई नहीं देता,
अब जैसे ही आप कोई चीज रखेंगे उसके अंदर क्या होता है, एक फोर्स लगा, फोर्स की वजह से वापस से एटम्स मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे आना चाहते होते हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन आप बोल सकते हो कि आ रहा है। जैसे स्प्रिंग का केस होता है, आप एक स्प्रिंग को खोलते हैं, ठीक है, अगर आप उसको खोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है, आप उसको छोड़ेंगे वापस चला जाता है ना अपनी जगह पे, वो किस फोर्स की वजह से जाता है, वो एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है उसके अंदर। तो ये डिफॉर्मेशन है, आपको डे टू डे लाइफ में दिखाई नहीं देती है, आप जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर डिफॉर्मेशन होता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स जो है नीचे दबते हैं और वो वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहते होते हैं, इस वजह से एक फोर्स ऊपर की तरफ क्रिएट होता है। अब डिफॉर्मेशन, आपने कोई चीज रखी है ऊपर के और नीचे के दोनों के मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आएंगे ना, तो ये इन डेप्थ, बहुत इन डेप्थ अगर हम जाते हैं तो ये इसका एक कॉज आप बता सकते हैं। आई बात समझ में विवेक? यस मैम, यस मैम, ठीक है, तो ये है फोर्सेस हैं, उनके पीछे के अगर आप इन डेप्थ स्टडी करते जाओगे तो आप पहुंच जाओगे माइक्रोस्कोपिक लेवल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एटम्स मॉलिक्यूल्स पे, बॉन्डिंग्स पे, जो आपके एटम मॉलिक्यूल्स आपके सरफेसेस के अंदर है या ऑब्जेक्ट के अंदर है वहां पर, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, मान लो ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर आपने एक बुक रख दी, तो जहां ये कॉन्टेक्ट में है यहां पर एक फोर्स क्रिएट होता है, सरफेस लगाता है इस बुक के ऊपर, ये मान लो बुक है, सरफेस लगाता है इस बुक के ऊपर ऊपर की तरफ, मान लो एन हो गया, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, आपके पास अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे पे लगाया तो दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर लगाएगा, एक्शन रिएक्शन वाला जो फंडा होता है वो वाला, तो ये बुक जो है इस टेबल पे लगाएगी नीचे की तरफ, तो टेबल बुक पे लगा रहा है और बुक टेबल पे लगा रही है, ठीक है, ये हम बोलते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन है। एंड नॉर्मल वर्ड किस लिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टेक्ट सर्फेस है, मतलब जहां पर वो टच हो रहा है सर्फेस उसके परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है। क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, तो अब यहाँ पर दूसरा एक और फोर्स था, इसका वेट भी लगता है ना नीचे की तरफ, यहाँ पर इसका वेट भी लगता है एम, मान लो इसका मास एम है ब्लॉक का, मास एम है ब्लॉक का, ठीक है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको हम वेट बोल रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लग रहा होता है, तो ये कहानी है नॉर्मल रिएक्शन की। अब इसके बाद हम लोगों ने किया टेंशन। टेंशन मान लो कोई भी, अगर आपने घर पे करके देखा हो, कोई भी थ्रेड या वायर लेके देखा हो, अगर आप उसको ऊपर होल्ड कर रहे हैं, नीचे से आप उसको खींच रहे हैं, आप उसको खींच रहे हैं, उसकी वजह से उस वायर के अंदर आप बोल सकते हैं एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है ऊपर की तरफ, टू बैलेंस दैट फोर्स जो नीचे आ रहा है। जब वो बैलेंस हो जाता है तो मान लो कि अगर आप स्प्रिंग का केस लें, अगर मान लो आपने स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग के नीचे आप वेट लगाते हो, धीरे धीरे वो वेट पुल वेट उसको नीचे लेता जाता है, वो कहां तक लेके जाएगा, जब तक कि उसके अंदर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जो उसकी पोजीशन पे वापस आना चाहते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स, अपना शेप पे वापस आना चाहते हैं, वो इक्वल हो जाता है, वो वहीं तक खिंच पाएगा, उससे आगे नहीं खिंच पाता। तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, स्प्रिंग को हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी सिर्फ हम वायर्स की बात करें। जैसे ही मान लीजिए एक, मान लो आपके पास ऐसे है एक ब्लॉक, अगर यहाँ पर एक वायर कनेक्टेड है और ये एक ब्लॉक है, मान लो आप इसको आगे की तरफ खींच रहे हो, ठीक है, इस वायर के अंदर कोई भी जो है स्लैक नहीं है, मतलब ये ढीली नहीं है कहीं से भी, अब आप उसको खींच रहे हो, आप खींचोगे तो वो वायर खींचेगी ना, इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे अगर आप ये ब्लॉक उस वायर को आगे की तरफ खींच रहा है तो उस वायर पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लग जाता है पीछे की तरफ, जिसको हम टेंशन बोल देते हैं। अगर इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे, जब ये वायर इसको आगे की तरफ खींच रही है, ये ब्लॉक इसको आगे की तरफ खींच रहा है, तो ये ब्लॉक उसको अगर इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो इधर टेंशन फोर्स लगेगा। समझ में आई बात? और जब तक वायर सेम है तब तक टेंशन फोर्स सेम होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर दो तीन ब्लॉक्स ऐसे जोड़ दूं, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, और ऐसे यहाँ आपने एक फोर्स लगाया, तो यहाँ जो टेंशन है अगर इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो इससे अवे, इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो इससे अवे, और ये दोनों सेम आएंगे। अगर इसकी बात करो तो टेंशन का नेमिंग, मतलब टेंशन फोर्स है वो अलग हो जाएगा, नेमिंग हम अलग कर देंगे T1, और इसके विद रिस्पेक्ट टू इधर आ जाएगा T1। तो वायर चेंज होते ही टेंशन फोर्स बदल जाएगा, सेम वायर है तो उसके अंदर टेंशन फोर्स सेम रहेगा। समझ में आए बेटा? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं किस पे, FBD। अभी जैसे इसका ही हम लोग FBD बना के देखते हैं, ये वाला, इस ब्लॉक को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस ब्लॉक का जो मास है
मल्टीप्लाई बाय में जी, यानी इसको वेट हम ऐसे दिखाते हैं, इस पे यानी इस ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्सेस को आपको रिप्रेजेंट करना होता है। ये एम जी हो गया, और एक और फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, बताओ कौन सा है? एन, जो एक बुक बुक जो नीचे की तरफ लगा रही है वो किस पे लग रहा है? वो सर आपके टेबल पे लग रहा है। आपको कौन सा लेना है? जो बुक पे लग रहा है, तो बुक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो ये वाला है ना, ये वाला नहीं आएगा, तो ये आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे एन। आई बात समझ में? यस मैम। एफबीडी हो गया इसका। अगर मान लो इसका मुझे एफबीडी बनाना है, मान लो ये वाला, इसका एफबीडी बनाओ, इस ब्लॉक का एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लो। मान लो 3 kg का है, तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ 3 × g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, ठीक है। एक फोर्स इस पे आगे की तरफ लग रहा है, मान लो ये किसी सरफेस पे रखा था, अब ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है आपका, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आ गया, जो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है। और एक देखो ये टेंजेंट फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये इसका एफबीडी हो गया। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इसके ऊपर अब बताओ कौन कौन से फोर्सेस है, बताओ जरा। मान लो इसका जो मास है वो 5 है, बताइए नीचे की ओर 5g। ओके, नीचे की तरफ 5g, आगे ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, कोई और नाम दे लेते हैं कि अगर ये दूसरा दूसरा आ गया ना आपके पास कांटेक्ट में, एन नहीं देना, तो एन वन ले लेते हैं, एन वन ले लेते हैं। और बताओ साइड में एक फोर्स एफ वन सा है, एफ आएगा, टी आएगा, क्या आएगा? एफ नहीं, टी आएगा, एफ नहीं आएगा, एफ और टी मैडम दोनों तो है, दोनों आएगा। अच्छा, और इधर क्या आएगा? इधर भी टी, इधर टी वन आएगा ना, ये हाँ। ये वाला स्ट्रिंग दूसरा है, इधर टी, एफ नहीं आएगा। एफ फोर्स आपका इस ब्लॉक पे लग रहा है, इस ब्लॉक को ये वाला फोर्स धक्का दे रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो F वहां लगाओगे सिर्फ जहां पर लग रहा है, ऐसे नहीं कि हर एक में F F आपको ऐड करना है। अब जैसे इसका अगर आपको बनाना है FBD, मान लो इसका 6 kg है, इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करें, एक फोर्स इसका नीचे की तरफ लगेगा 6 × g, एक फोर्स लगेगा टेंशन वाला T1 आगे की तरफ, एक नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं हम N2, और इसके अलावा इसमें कोई फोर्स ही नहीं है। यस मैम। नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। अगर मैं फ्रिक्शन बोल देती तो फ्रिक्शनल फोर्सेस वगैरह आ जाते, लेकिन अभी हम फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे। तो ये होता है तरीका एफबीडी, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का। फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों के लिए तब यूजफुल है जब एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, आपको कॉम्पोनेंट्स वगैरह लेने पड़ रहे हैं, तो वो सब कुछ मिक्स नहीं हो जाए, आपकी कन्वीनियंस के लिए होता है। और आपको इसमें जो जिसपे फोर्स जिसके ऊपर आपको निकालना है, मान लो कि ये वाला है FBD, मुझे इसका निकालना है तो इस पर लगने वाले फोर्सेस उठाने हैं, ठीक है। इसका निकालना है तो इस पे लगने वाले फोर्सेस, 6 पे निकालना है तो इस पे लगने वाले फोर्सेस। तो नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और FBD, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बताओ, कोई भी डाउट हो। चले आगे फिर, चले इसके बाद हम लोगों ने किया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपल है ये तो, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी 0 है। अगर इसको हम लोग सिंपल हमारी आम भाषा में बात करें तो क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, ठीक है। और एंड इफ बॉडी इज इन मोशन, एंड इफ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। कब तक रहेगा ऐसा? अनटिल एंड अनलेस, बोलो भाई, सम एक्सटर्नल forces applied on it, some external forces applied on it. अच्छा, मोशन में किस वेलोसिटी के साथ रहेगा, कॉन्स्टेंट या वेरिएबल? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ, यस कॉन्स्टेंट।
यानी कि डायरेक्शन भी तभी बदलेगा। मैं देखो वेलोसिटी जो है, जो आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही नहीं बदल रहा। कोई भी मान लो कोई भी चीज है, उसका डायरेक्शन बदलने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ता है और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाने के लिए भी उसपे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इट विल रिमेन इन मोशन जब तक कि विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स आप उस पर नहीं अप्लाई करते हो। तो ये वाले जो कंडीशन है, इस कंडीशन का एक और नाम मैंने आप लोगों को बताया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अगर 1D में है, मान लो कि आपके पास जो फोर्सेस हैं सिर्फ एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो नेट फोर्स इन वन डायमेंशन आ जाएगा। मान लो कि जो नेट फोर्स है वो फोर्सेस मान लो आपके पास लग रहे हैं एक बॉडी के ऊपर, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, तो मतलब जिसमें दो डायमेंशन की बात आ जाए, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, उनको एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट में तोड़ लें। ठीक है, एंड इफ इट दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो एक्स कॉम्पोनेंट का जितना भी सम है वेक्टर सम वो भी जीरो आएगा, एंड वाई का जो वेक्टर सम है वो भी जीरो आएगा। और अगर मान लो थर्ड डायमेंशन की भी बात करें, तो आपके पास समेशन ऑफ एफ जेड भी इक्वल टू जीरो आएगा। क्लियर है बेटा ये चीज? इक्विलिब्रियम में है ना, वो कहीं मूव नहीं कर रही है। ठीक है, तो सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। अगर बहुत सारे अलग अलग एंगल्स में है, तो उनको सम हम लोग दो कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करके सबको इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है बताओ, न्यूटन सेकेंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? मैम कोई चेंज ऑफ मोमेंटम कर भी घुसता क्या था? तो बहुत फेमस हुआ, इनर्शिया। इनर्शिया तो आपका पहला है बेटा, इनर्शिया यही है चेंज ऑफ कि लेस पे मोमेंट। तो रेस्ट पे रहेगा। आप जो बोल रहे हो, यस, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, राइटिंग समझ में आ रही है? आना तो बोल दो, ऐसे ना करो, ये आई भी चीज़ रियल राइटिंग है। चेंज इन मोमेंटम इज रिएक्शन क्या दे दें, कह रहे हो? हम रिएक्शन दे देते हैं तो अच्छा, रिएक्शन मुझे पता नहीं लगता, इसमें मुझे दूसरी टैब में जाना पड़ता है। सो चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, एफ अप्लाइड फोर्स जो आपने अप्लाई किया है, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, चेंज इन मोमेंटम, चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा पी बाय में डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आम भाषा में बहुत बार बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। ये भी है आपका एक स्पेशल केस है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ये स्पेशल केस है। ये आया कैसे, ये देखो, मान लो कि एक बॉडी है, एम उसका मास है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है, और उस पर कोई फोर्स लगता है, एंड देन वो उसका वेलोसिटी जो है वी हो जाता है, ओके, और मास उसका वही है एम, इन टाइम टी। तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, एफ इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू में वेलोसिटी, यही होता है ना, ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इनटू में वेलोसिटी। तो यहां पर अगर इनिशियल की बात करें और फाइनल की बात करें, तो फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस में पी आई, दिस इज चेंज इन मोमेंटम बाय में चेंज इन टाइम। तो पी एफ क्या है, एम इंटू वी माइनस में पी इनिशियल क्या है, एम इंटू यू बाय में टोटल टाइम कितना लगा, टाइम टी। अब मास हम कॉमन अगर ले लें, तो वी माइनस में यू बाय में टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, आप लोगों ने पढ़ी है ना, पढ़ी यस है नहीं मैम, पढ़ी? यहां से निकाल यस के मैम, देखो जरा, वी माइनस यू बाय में टी क्या आ रहा है, एक्सलरेशन आ रहा है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो ये एक स्पेशल केस क्यों बोल रही हूं मैं, आप बोल सकते थे मैम यही आएगा, इसमें और क्या आएगा आपके पास। इसमें देखो मोमेंटम जो बदल रहा है ना, मोमेंटम मास की वजह से भी बदल सकता है और मोमेंटम वेलोसिटी की वजह से भी बदल बदल सकता है। पर आप बोल सकते थे ये चीज, मैम मास तो बदलेगा ही नहीं, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है उसका मास बदलता है क्या? मास तो नहीं बदलता, बदलता है क्या बताओ? नहीं ठीक है, नो तो फिर इस केस में तो मास आपने कॉमन ले लिया, तो यही एक केस बन रहा है, और तो कोई केस ही नहीं बन रहा। बट मास हमारी आम लाइफ में, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, उसमें जो चीजों की वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है। ठीक
ठीक है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाओ या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए, लाइट की स्पीड के आसपास, या मतलब मान लो सी का सी बाई टू भी हो जाए, मैं आपको इसको लिख के बताती हूँ। जैसे कि आपके पास एक फॉर्मूला आता है, इसको आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में अभी नहीं, एम इक्वल्स टू एम नॉट बाय में अंडर रूट 1 माइनस v² बाय में c², आई थिंक यही फॉर्मूला है। यस, तो यहाँ पर देखो ये होता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, एम नॉट को बोलते हैं हम लोग रेस्ट मास, जब वो रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तब उसका मास कितना है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का सी बाई टू हो जाता है तो जो उसका नया मास बनेगा वो बनेगा एम नॉट बाय में अंडर रूट 1 माइनस, क्या आ जाएगा आपके पास, c² बाय में 4 into c², c² से c² कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा आपके पास, एम नॉट बाय में अंडर रूट 3 और ये आएगा ऊपर 2, ठीक है। अगर आप देखिए 2/√3, दिस इज ग्रेटर देन 1, 2/√3 आपका 1 से बड़ा है, यानी कि जो नया मास बन रहा है वो एम नॉट से कुछ ज्यादा है, एम जो है आपके पास एम नॉट से ज्यादा हो गया, जब ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के आधे वेलोसिटी से भी अगर मूव कर रहा है तो, यानी उसका जो मास है मास इंक्रीज हो गया, और मास अगर चेंज हो गया मोशन के साथ तो उसका मोमेंटम बदल जाएगा ना, बताओ, यानी कि जो मोमेंटम है मोमेंटम डिपेंड कर रहा है ऑन मास ऑल्सो, मास ऑल्सो एंड सेकेंड क्या है, वेलोसिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, ऐसे लिख लीजिए, मास एंड वेलोसिटी। लेकिन हमारी डेली लाइफ में इतनी हाई वेलोसिटी में आपको कोई भी चीज मूव करती हुई नहीं दिखाई देती, तो इस चीज को हम इग्नोर भी करते हैं, और जो आपका मास में चेंज है वो निग्लेजिबल है, ठीक है, उसको हम लेते ही नहीं, उसको कांस्टेंट लेके चलते हैं, वो कॉमन आ जाता है, तो आपके पास फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन बन जाता है, ठीक है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो अगर आपसे कोई पूछे तो कभी ये नहीं बताना कि एफ इक्वल्स टू एम ए जो है वो सेकेंड लॉ है, आप ये बताइए दिस इज ऑलवेज ट्रू। इसका अगर एक और एग्जाम्पल मैं दूं, रॉकेट प्रोपल्शन आप पढ़ेंगे आगे, मान लीजिए रॉकेट अगर चलता है ना तो उसमें फ्यूल होता है, ठीक है, अब वो चलता है जब क्या होता है कि नीचे की तरफ उसमें गैसेस जो है, नीचे की तरफ जो है गैसेस एग्जॉस्ट होती हैं, फ्यूल जलता है उसका, उस गैस की वजह से क्या मिलता है उसको, एक फोर्स मिलता है ऊपर की तरफ, लेकिन वो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अब देखो जो उसका मास है, फ्यूल जल रहा है तो मास खत्म हो रहा है ना, मास डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में आप एफ इज नॉट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी एफ इज नॉट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आप जो लिखेंगे यहाँ पर ऑलवेज ट्रू कौन सी चीज है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय में डेल्टा टी, दिस इज ऑलवेज वैलिड। अब ये अपने आप सेट कर लेगा भाई, मास अगर चेंज हो रहा है तो मास के हिसाब से कर लो, वेलोसिटी अगर चेंज है वेलोसिटी के हिसाब से, दोनों चेंज है तो वो भी, दिस इज ऑलवेज वैलिड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ पर मास डिक्रीज होता है रॉकेट प्रोपल्शन का जो केस है, मास डिक्रीजेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, देखो अभी आपने देखा कि फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय में डेल्टा टी, मान लेते हैं हम लोग फॉर स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, फॉर स्मॉल चेंज आप इसको लिख सकते हो डीपी बाय में डीटी, मान लीजिए स्मॉल चेंज हुआ मोमेंटम में इन स्मॉल टाइम डीटी, तो इसमें अब देखो पी होता क्या है, मास इनटू में वेलोसिटी, डी बाय डीटी इनटू में मास इनटू में वेलोसिटी लिख लो पहला। अगर मान लो एम और वी दोनों वेरिएबल हैं तो आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, अगर मान लो कोई भी एक कॉन्स्टेंट होता तो बाहर कॉमन आ जाता, अब मैं कह रही हूँ कि दोनों ही जो है वेरिएबल है मेरे पास, तो एम बाहर आया पहले डी वी बाय में डी टी प्लस में वी बाहर आया डी एम बाय डी टी, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड दिस इज ट्रू सेकेंड लॉ। अगर आप अगर इसको मैथमेटिक्स में दिखाना चाहें कि ये है,
अब इसी से आपका स्पेशल केस आ जाएगा। स्पेशल केस कैसे आ जाएगा? इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट तो उस केस में क्या चीज जीरो हो जाएगी? डीएम बाई डी टी, चेंज इन मास वो ही नहीं रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मास कांस्टेंट, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना। तो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एम इन टू में डीवी बाई डी टी। एंड वॉट इज डीवी बाई डी टी बेटा? इसको एक्सेलरेशन क्यों एक्सेलरेशन। बोलते हैं? आ गया ना आपका स्पेशल केस भी दोबारा से। क्लियर है बेटा? रिएक्शन दे रहे हो क्या तुम लोग? रिएक्शन भी नहीं दे रहे? ओके चलो आगे चलते हैं। अभी देखो, अब हम जितनी भी स्टोरी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यही है आपका लॉ, इसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, पी होता है मास इनटू में वेलोसिटी। अब हम जितना भी केस डिस्कस करेंगे, 95% केसेस में आपको जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पे मिलेगा। फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, फटाफट निपटाएं। ओके क्या हो गया नीतू? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। यस मैम। अभी देखो, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम आपको सिखाया था ना, इसी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ठीक है, फोर्स जिधर लग रहा है उधर ही आपके पास, नेट फोर्स जिधर लग रहा है उधर ही एक्सेलरेशन होगा ना। ठीक है, तो लगाओ जरा एक बार, कोशिश करो, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। हाँ जी बोलिए। देखो एक दो मैं करके दिखाती हूँ, फिर आप करना। जैसे अगर मैं इस पे सभी फोर्सेस देखूँ, कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो देखो ये इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, मान लेते हैं हम लोग एन, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, और ये सरफेस पे क्या लगाएगा उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को इस पे लगने वाले सभी फोर्सेस चाहिए। एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर आगे की तरफ, और इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है इस पे बेटा? बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड। एक नीचे लग रहा है आपके पास एम जी। ठीक है, अब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक आपके पास क्या है ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ है। ठीक है, अभी देखो कंडीशन क्या है कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, वर्टिकली इसमें कोई मोशन नहीं है। अगर वर्टिकली कोई मोशन नहीं है, यानी कि ऊपर नीचे वाले जो दोनों फोर्सेस हैं वो बैलेंस करेंगे। इफ नो वर्टिकल मोशन, तो आप क्या लिखेंगे? एन इज इक्वल टू एम जी। अब इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जिधर फोर्स है, जिधर नेट फोर्स है, जैसे फोर्स इस पे आपके पास अब एक ही लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसका मोशन है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? एफ इक्वल्स टू जो इसका मास है, ये जो फोर्स इस पे लग रहा है, ये नेट फोर्स लग रहा है, दैट विल बी इक्वल टू किसके? मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये आ गया आपके पास। अगर यहां से आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या आएगा आपके पास? एफ बाय में एम। आई बात समझ में? अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल है? अगर वो मोशन में है, अगर अप्लाइड फोर्स आपका एफ है, अभी नेट इस पे सिर्फ एफ लग रहा है, तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? यस मैम। चलो ये वाला देखो। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन इफ एफ वन एंड एफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन द डायरेक्शन एज शोन बिलो। अब यहां पर देखो, एक फोर्स लग रहा है इस पे इस तरफ, एक लग रहा है इस तरफ, एक आपको समझ में आता है कि नीचे की तरफ, इसका मास एम ही मान लो, एम जी लगेगा। एक सरफेस की वजह से इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब अगर मैं इसका एफ बी टी बनाऊं, तो एफ वन जो है इसके अंदर ऐसे लग रहा है, तो आप इसको ऐसे दिखा दो एफ वन। ठीक है, एफ टू जो है वो ऑब्जेक्ट के इस तरफ लग रहा है, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, एक इस पे एमजी लग रहा है नीचे की तरफ, इसके अलावा कोई फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है? बताओ कोई है? सारे आ गए ना? अभी देखो वर्टिकल मोशन नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? एन इक्वल्स टू एमजी, नो वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन है, आपको दिखा रखा है कि एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है, मतलब इधर मोशन है। अब दो फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे लिखूं मैं फिर इसको?
नेट फोर्स क्या होगा इस पे? देखो एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन, तो बॉडी डेफिनेटली जो ग्रेटर फोर्स है उसकी तरफ मूव करेगी, ये तो समझ में आता है ना, ठीक है? तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ टू माइनस में एफ वन, ये आपके पास अब एक नेट फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज इक्वल टू जो इसका मास है इनटू में एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? तो आप अगर थोड़ा सा याद रखना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उस तरफ वाले फोर्स को पॉजिटिव लो और अपोजिट वाले को उसमें से माइनस कर दो, ठीक है बेटा? यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी आपके पास, एफ टू माइनस में एफ वन बाय में एम। ओके ओके चलो इसमें मैं आपको वैल्यूज देती हूँ। अब कंपोनेंट्स करने हैं, कंपोनेंट्स करने आते हैं ना सबको, ये 20 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, इसके आप FBT बनाने का कोशिश करो एक बार। जैसे आप इसको क्या लेंगे, 20 cos 37 आएगा, एक ऊपर की तरफ बनेगा 20 sin 37, इसका आप एक्सटेंड कर लो ऐसे आगे की तरफ, ठीक है? आप क्या लिख सकते हो, इसको 53 डिग्री लिख सकते हो। अब ये जो 10 न्यूटन है इसको ब्रेक कर सकते हो इधर और एक ब्रेक कर सकते हो नीचे की तरफ, तो सारे कंपोनेंट्स आ गए ना हमारे पास एक्स वाई एक्सिस में। अब आप बैलेंस कर सकते हो, जैसे वर्टिकल मोशन नहीं है, ठीक है? हम मानते हैं क्या कि जो नेट इसका जो मोशन है, एक बार फोर्स वगैरह तोड़ो आपको समझ में आ जाएगा नेट इसका मोशन किधर है, कोशिश करो एक बार ब्रेक करो। और ट्राइंगल आपको पता है, दो फेमस ट्राइंगल मैं बना देती हूँ यहाँ पे, 37 डिग्री ये है 37, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, एक होता है आपके पास 53, ये मान लो आपके पास क्या है 53, ये 90 डिग्री के हैं, ये 4, ये 3 और ये 5। तो जो भी आपको निकालना हो दोनों ट्राइंगल्स को यूज करो और एक बार कोशिश करो, सभी बच्चे एक बार ट्राई कीजिए। मुस्कान बेटा समझ में आ रहा है? कृष्णा, कृष्णा कहाँ गायब हो गए, सो रहे हो तुम लोग सारे? नो आपका नाम क्या है? कृष्णा। यस मैम, कृष्णा मिश्रा। अच्छा कृष्णा ही है, खतरनाक दमदार आवाज आई है एकदम से। बेटा क्लियर हो रहे हैं टॉपिक्स या नहीं? हो रहे मैम, कर रहा था। ओके ओके करो जरूर। मुस्कान बोले कि नहीं अभी तक, आ गया ठीक है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ आपको आंसर निकालना। फिर 20 cos 37, एक फोर्स आ गया इधर, एक आएगा इधर, ठीक है? ये आएगा आपके पास 20 sin 37। अगर हम 10 वाले को ब्रेक करें तो ये आएगा आपके पास इधर इस डायरेक्शन में 10 cos 53, और एक आएगा इस पे नीचे की तरफ 10 sin 53 डिग्री, ठीक है? अब देखो अगर मैं इसका FBT बनाऊं, अच्छा और भी कुछ फोर्सेस है इस पे, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ, एक इसका खुद का मास मान लो कितना है, मास की वैल्यू दे देती हूँ मैं, 2010 क्वेश्चन है ना ये, हाँ जी मास ले लीजिए 5, मास इक्वल्स टू 5 kg, एक इस पे नीचे की तरफ मास लगेगा ऐसे 5 × g। अब इसका देखो अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना हमारे लिए, क्या इधर कुछ फोर्स लग रहा है इधर कुछ लग रहा है तो समझ में नहीं आता,
और अगर आपको मैं नोट्स दूं तो आपको वैसे ही समझ में नहीं आएगा ये मैम ने क्या कर रखा है, काटा पिटी कर रखी है। तो एफबीडी हमारे लिए यहाँ कामयाब है। देखो यहाँ पर अगर इसको मैं एक पॉइंट के रूप में दिखाऊं तो इधर कितना लग रहा है, 20 cos 37। एक और लग रहा है यहाँ पर ये वाला 10 cos 53, लग रहा है कि नहीं लग रहा? ठीक है, एक नीचे की तरफ लग रहा है कितना, 5 into में जी, ऊपर की तरफ लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन, और भी कोई फोर्स है? यस, ये रहा 20 sin 37 भी तो लग रहा है, 20 sin 37 degree, और नीचे एक लग रहा है 10 sin 53 degree। अब वर्टिकल मोशन नहीं है, ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ वर्टिकल मोशन नहीं है इसका। ओके, तो आप क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। ऊपर क्या, आपके पास n प्लस में 20 sin 37 दैट इज इक्वल टू 5 into में g प्लस में 10 sin 53 डिग्री, एक इक्वेशन ये बन गया। अगर मैं आपको बोलूँ नॉर्मल रिएक्शन तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे एक 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 इक्वेशन और बनाते हैं। एक इसका मोशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मान लो एक्सेलरेशन अब इधर है। अगर वर्टिकल नहीं है तो इसका किधर होगा? ऑब्वियसली और फोर्सेस बचे कौन से, जो हॉरिजॉन्टल में एक ही तो है, ये वाला टोटल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 cos 37 degree प्लस में 10 cos 53 degree दैट इज इक्वल टू, ये आपका नेट फोर्स है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज इक्वल टू जो इसका मास है यानी कि 5 into में एक्सेलरेशन। ये होगा ना, फोर्स इक्वल्स टू, बिकॉज जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये होता है ना। यस तो नेट फोर्स तो यही बना। अब इसमें आप वैल्यू सारे निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 20 into में cos 37 क्या होगा बेटा, अगर मैं पहले इसको सॉल्व करूं, cos 37 b/h यानी 4/5 4/5 प्लस में 10, cos 53 कितना होगा, 3/4 दैट इज इक्वल टू 5 into में a। तो अगर हम इसको काटे थोड़ा सा, ये मैम, क्या थ्री मिलता बाय है, b/h, फाइव नहीं होगा? यस 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 3/5। ओके, तो 5 1s 5 4s हो गया, ये 5 1s 5 2s 10 हो गया, ये कितना हो गया, 4 4s 16 प्लस ये कितना हो गया, 3 2s 6 दैट इज इक्वल टू 5a, कितना हो गया ये 22 इक्वल्स टू 5a, यानी a कितना आ गया आपके पास 22/5 m/s² अगर मान लो सारे मीटर वगैरह में ही दे रखे हैं आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा चीज, आप नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं ऐसे ही सेम टू सेम। यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, sin 37 की, जी की 10 पुट कर लो, sin 53 की वैल्यू पुट कर लो, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है बेटा, वो निकाल लेना, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बाकी है। अच्छा, इसको एक तरीका और भी था सॉल्व करने का। अभी मेरा सिस्टम बहुत सिंप्लीफाइड है, आप क्या कर सकते हो, इस पे नेट फोर्स देखो, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है वो कौन सा लग रहा है आपके पास, यही तो लग रहा है ना, 2 cos 37 प्लस 10 cos 53। आप सीधा इसको सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय में इसका मास कर दो। मतलब डायरेक्ट भी आप उसको देख के बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में कौन से दो कॉम्पोनेंट्स है, क्योंकि वर्टिकल तो मोशन है ही नहीं। लेकिन आप लोगों को नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कॉम्पोनेंट्स तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, कि ऊपर फोर्स कितना है, नीचे फोर्स कितना है, फिर आप बैलेंस करेंगे उसको। ये थोड़ा नेट वाला कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में और क्लियर होगा। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया, ये बताओ, इसको हटा दो एक बार, ये कॉम्पोनेंट्स वगैरह तोड़ने आए सभी को? यस मैम, ठीक है, नहीं इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था नॉर्मल रिएक्शन एक्सेलरेशन मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन समझने का रिक्वायरमेंट है, देयर इज नो सच फॉर्मूला। इसमें क्या करना है फॉर्मूले का, आपको आपको देखना है कि कितने फोर्सेस हैं, किधर मोशन है, ये समझ में आना चाहिए। जिधर मोशन है नेट फोर्स इसका मतलब उसी तरफ है। यस बेटा, अंजलि बोलिए, अंजलि कुमारी हैंड रेज किया आपने, बोलो। अच्छा, यही पूछ रहे थे, ठीक है ठीक है, चलो ये वाला करके देखो एक बार। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, इस पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना, ठीक है, सॉल्व करना है वो और कुछ नहीं है। मैं वैल्यू बता देती हूँ कितनी आएगी आपकी,
मैंने भी नहीं निकाल रखी हूँ। यहाँ देखो थोड़ा सा, अगर मैं आपको इधर सिंपलीफाई करके दिखाऊं, एन प्लस में 20 साइन 37 क्या हो जाएगा, पी बाय में एच, 3 बाय में 5 हो गया, इज इक्वल टू 5 इंटू में 10, ठीक है, और प्लस में 10 sin 53, 4 बाय 5 हो गया। बस इसको सॉल्व करना है, 5 1 ये 5 2 सा हो गया, ये 5 1 5 4 सा हो गया, तो ये आ गया प्लस एन इक्वल्स टू 12 इज इक्वल टू 50 प्लस में 8, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 58 माइनस में 12, कर लोगे अब तो? ठीक है चलो, अब इसको करो, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ये निकालना है, ऑफ बोथ ब्लॉक्स। देखो ये वाला मैं करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग अगला करना। जैसे कि ये मान लो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। अभी देखो कहाँ कहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊ, इसका एफबीडी, तो एक तो देखो इस पे एक फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है ना, एक इसका मास एम वन है, नीचे लगेगा एम वन इंटू में जी, एक ये भी तो सरफेस कांटेक्ट में है ना, और एक ये कांटेक्ट में है, तो दो नॉर्मल रिएक्शन आ गए ना यहाँ पे। इसको मान लेते हैं हम लोग एन, और ये इसके ऊपर लगाएगा एन, ठीक है, ऐसे ही यहां पर आएगा एक, उसको हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आएगा आपके पास इधर एन वन, या एन डैश मान लो, एन वन मान लो, चलो ये आएगा आपके पास नीचे की तरफ एन वन। तो एम वन ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, एक तो एम वन जी हो गया, एक फोर्स हो गया, एक ये जो बड़ा वाला ब्लॉक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो आएगा आपके पास इस डायरेक्शन में, और एक जो सरफेस इस ब्लॉक पे लगाएगा वो आएगा आपके पास ऊपर की तरफ। मैम स्क्रीन बहुत लेट हो रही है। क्या हो रही है, डिले, डिलेड वो आ रहा है क्या? यस मैम डिले हो रहा है बहुत ज्यादा। अब जाके रेड वाला लिख रहा है जो आपने लिखा था N1। चलो अभी मैं एक लिख रही हूँ, अभी बताना कि अब भी डिले हो रहा है क्या, मैंने अभी लिखा है, प्रणाम, दिख रहा है सबको मैम दिख तो रहा है अभी तो। अभी? साथ ही साथ दिख रहा था, इसका मतलब थोड़ा इंटरनेट का इश्यू होगा बेटा, इसमें तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अपना माइक ऑफ, अभी इसको फर्स्ट बोल देते हैं, ये फर्स्ट का एफबीडी है, सेकंड का एफबीडी बनाओ जरा, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बताओ जरा मेरे को एक बार। सेकंड पे एक तो एम टू जी लगेगा, एक लगेगा आपके पास एम टू इंटू जी, और बताओ क्या लगेगा, एक इसकी वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ये वाला एन हो गया, और एक सरफेस इसके ऊपर लगाएगा, उसका नेमिंग हम अलग कर लेते हैं, एन टू लगा लो, चलो ये आ गया आपके पास एन। इसके अलावा कोई और फोर्स है इसके ऊपर? नहीं है ना, ये तो बोल दो नहीं है मैम। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, अब मैं बोल रही हूँ कि इनका जो, देखो ये दोनों इकट्ठा मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, अगर यहाँ कुछ ऐसा लिखा होता स्मूथ सर्फेसेस वगैरह तो हम सोचते अभी तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, दोनों साथ में, देखो अगर मान लो एक चीज ये है, इसके आगे मैं एक और चीज रख दू, और मैं अगर धक्का लगाती हूं तो दोनों साथ मूव करेगा ना, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो ही इसका एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, ये बताओ, सेम एक्सेलरेशन है, तो सेम एक्सेलरेशन है क्योंकि बोथ बॉडीज आर स्टिक टुगेदर एंड दे आर मूविंग टुगेदर, अगर अलग अलग एक्सेलरेशन होगा तो इकट्ठा नहीं हो चल सकती हो, ठीक है, अगर एक थोड़ा आगे खिसकी है उतना ही आगे खिसकेगी, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, एक वी वेलोसिटी से आई तो दूसरी वी वेलोसिटी से आगे चलेगी, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जब वो दोनों इकट्ठी है, ठीक है, तो सेम रहेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज इज सेम। अब देखो यहाँ पर हम लगाते हैं कि ऊपर की तरफ कोई मोशन नहीं है, तो सीधी सी बात है भाई, एन वन इक्वल्स टू एम वन जी हो जाएगा, ठीक है, एन टू इक्वल्स टू एम टू जी हो जाएगा, ये तो सिंपल है। अब अगर मैं बात करूं इसकी, इसका मोशन आगे की तरफ है, इसका मास कितना है एम वन इंटू में एक्सेलरेशन, कितना है नेट फोर्स, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव मान लो, ये है आपका फोर्स जो आगे की तरफ उसको लेके जाएगा, तो एफ माइनस में एन, दिस इज इक्वल टू एम वन इंटू में एक्सेलरेशन जिससे वो मूव किया, फोर्स अप्लाइड क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट
मल्टीप्लाई बाय में जो उसका एक्सलरेशन है, मैं बोल रही हूँ उसका एक्सलरेशन आपने निकालना है ए, ठीक है। तो आगे की तरफ जो फोर्स है माइनस पीछे की तरफ फोर्स करोगे वही तो उसको मूव करेगा ना, नेट फोर्स आगे की तरफ। तो एफ माइनस में एन इक्वल्स टू एम वन इंटू में ए। इसकी बात करें तो या तो ए की फोर्स है एन, यानी एन ही किसके इक्वल है, एम टू इंटू में ए। ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके मोशन के लिए, एन इक्वल्स टू एम टू ए। अब एन की वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हैं, नहीं पुट इट हियर, एफ माइनस एम टू ए दिस इज इक्वल टू एम वन ए, यानी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एम वन ए प्लस में एम टू ए। यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, अगर मैं एफ की वैल्यू दे दूं आपको कुछ भी 10 न्यूटन 15 न्यूटन मासेस दे दूं आपको, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, नहीं एफ बाय में एम वन प्लस में एम टू। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन में निकाल सकते हो यूजिंग दिस इक्वेशन, एन की वैल्यू क्या है एम टू ए, ए आप लोगों ने निकाल लिया, तो एम टू इंटू में एफ बाय में एम वन प्लस में एम टू। क्लियर बेटा सबको, बोलो यार कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो बताओ। अच्छा देखो, एक फोर्स एफ लगा एम वन ब्लॉक पे जिसकी वजह से एम वन ब्लॉक एम टू पे एक धक्का लगाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चिपके हुए हैं और दोनों साथ मूव करेंगे, ठीक है। अगर चिपके हुए हैं साथ, मैं बोल रही हूँ आपको कि दे आर स्टिक टुगेदर एंड दे आर मूविंग टुगेदर, सिस्टम पूरा इकट्ठा मूव करेगा, यानी ब्लॉक एम वन का जो एक्सेलरेशन और ब्लॉक एम टू का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। फिर हमने सारे डिविजन कर लिए कौन कौन से फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं। तो एक ग्रेविटी वाला फोर्स तो डाउनवर्ड होता है हमेशा ही, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आप बना सकते हो, सर्फेसिस जहां जहां कॉन्टेक्ट में है वहां वहां लगेंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल है, एक दूसरे पे लगाते हैं दूसरा पहले पे लगाएगा। तो आपको एफबीटी बनाते हुए वो फोर्सेस लिखने जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। और जैसे यहाँ वाला जो है आपने जो ये लिया है, तो यहाँ सरफेस पे सरफेस इस पे लगाएगा, मतलब ब्लॉक M2 वाला लगाएगा M1 पे, M1 लगाएगा M2 पे, लेकिन हमको लेना कौन सा है जो M1 पे लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपने यहाँ जो M1 पे लग रहा है N1 ले लिया, इस पे एक फोर्स लग रहा है F, ये सारे फोर्सेस आपने दोनों में डिवाइड करके लिख दिया। और फिर हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो अप्लाइड है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास कॉन्स्टेंट वाला केस ले रहे हैं, मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है इंटू में जो उसका एक्सेलरेशन है, यही होता है ना। तो हमने देख लिया ये सारे इक्वेशंस वगैरह यूज करके नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही आपके पास क्या होगा, मोशन होगा। अच्छा इसको एक और तरीके से आप कर सकते थे बहुत ही इजीली, आपको इक्वेशंस का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। मान लो कि ये पूरा एक सिस्टम है, अब देखो एक ही एक्सेलरेशन से जब चल रहा है तो पूरा एक सिस्टम मान सकते हैं ना हम इसको, कि वो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है बताओ, और जिसका टोटल जो मास है एम नेट कितना हो जाएगा, एम वन प्लस में एम टू हो जाएगा ना। और इस सिस्टम के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है एफ, यानी एक ऑब्जेक्ट जिसका फोर्स एम सॉरी जिसका मास एम वन प्लस एम टू, जिसका एक्सेलरेशन ए और एक फोर्स लग रहा है एफ। तो आप सिंपली ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, एफ इक्वल्स टू एम वन प्लस में एम टू इंटू ए, और ए आपके पास क्या हो जाएगा एफ बाय में एम वन प्लस में एम टू, यही तो निकाला है हम लोगों ने इक्वेशन से। लेकिन कंडीशन है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तभी आप उसको एक सिस्टम यानी एक ऑब्जेक्ट मान के बात कर सकते हैं। आपको इंटरनली जो इसके जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, नॉर्मल रिएक्शन के लिए आपको इक्वेशंस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है बेटा। बोलो ये वाला करके देखो फिर। अब आपको अभी आपको क्या करना है, फाइंड ए ऑफ ऑल द ब्लॉक्स, ठीक है, ये सब मान सकते हो। चलो मैं बता देती हूँ आपको, ये सारे के सारे जो है आगे की तरफ मूव करेंगे, और ये तीनों जो है स्टिक टुगेदर है, दे विल मूव टुगेदर, सो आप बोल सकते हैं कि इनका एक्सेलरेशन जो है वो सेम है। और आप ये जैसे एफबीडी बनाओगे तब भी आपको समझ में आएगा कि नेट जो फोर्स है वो आगे की तरफ ही है। अब इसमें आपको निकालना है कि एक तो एक्सेलरेशन एक ही निकालनी है, सबकी आ जाएगी आपको, एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 kg एंड 3 kg ब्लॉक, 4 kg और 3 kg के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो आपको निकालना है। तो जरा मैं लिख देती हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर आप नेमिंग कर देते हैं ताकि आप सबके आंसर्स मैच करें। जैसे इसको मान लो आप लोग क्या है, ये एन लगाएगा इस पे, ये इस पे एन लगाएगा, ठीक है, ये इस पे मान लीजिए एन वन लगाएगा और ये इस पे एन वन लगाएगा, ठीक है, आ गई बात समझ में। और बाकी जो फोर्सेस हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे,
नीचे की तरफ कौन से हो जाएंगे, इनके जो वेट्स हैं, 2 × g, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 × g, ये कितना हो जाएगा 4 × g, और इसके अलावा एक और रह गया ना जो नीचे वाला सरफेस लगाता है। बाकी यहां पर देखो वर्टिकल मोशन की बात ही नहीं हो रही तो छोड़ दो, अभी वर्टिकली मूव ही नहीं कर रहा है। ये हो जाएगा आपके पास 4g। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल मोशन ओनली, इक्वेशंस बनेंगी 3। निकालो जरा, अगर ये निकाल दिया आप लोगों ने, इट मींस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। विशेष थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? थोड़ा यस मैम, थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा आया। लास्ट पास देख लूंगा तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं आज मैंने वैसे रिपीट कर दिया जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था ना, नॉर्मल फोर्स वगैरह टेंशन मैंने यस आपको मैम, बता दिया कैसे लगनी है, वो बस थोड़ा सा स्लो गई थी क्लास, तो आप उसको देख सकते हो, बाकी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं। आज काफी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे, टेंशन वाले भी करेंगे, इसके बाद टेंशन वाले ही क्वेश्चन करेंगे 10-15 मिनट। गुंजन नींद तो नहीं आ रही बेटा? कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा? ऐसे मत बोलो, ऐसे डिमोटिवेट मत करो मेरे को, कुछ तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। हाँ इसीलिए समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप देख लेना लास्ट क्लास। अभी आज आज जो टॉपिक है वो सेकंड लॉ पे था, मास इनटू एक्सेलरेशन पे हम चल रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शंस मैंने बताया आपको, सरफेस जहां कांटेक्ट में है वहां परपेंडिकुलर लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, बस ये यूज हो रहा है आज के टॉपिक्स में अभी तक तो। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको, रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा बहुत, जैसे विशेष को थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया पिछली बार, लेकिन आज वो देख रहा है तो रिलेट कर पाएगा, जब वो दोबारा उन चीजों को देखेगा तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और फाइन हो जाएगा, और प्रैक्टिस करेगा और फाइन हो जाएगा। सो कंसिस्टेंसी इज द की टू दी सक्सेस, हमेशा मैं यही बात बोलती हूँ, लगातार लगे रहो, धीरे धीरे सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, जब एक बार बैठ जाएंगी फिर अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे होने लग जाएंगे, ठीक है। अभी आपको सीधा ही मैं बहुत डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन उठा के दे दूं, नॉर्मल रिएक्शन, एक लेटर लगा दूं मैं दीवार के ऊपर, मैं पूछूं इसमें नॉर्मल रिएक्शन बताओ, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो इसलिए जरूरी है कि जीरो से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर मूव करना। चलो मैं सॉल्व करने शुरू करती हूँ। बेटा वो पता नहीं मेरे को अभी, तो देखते हैं अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की दिक्कत आई तो। चलो इस कलर से करते हैं, जैसे मैं अगर इसकी ये मान लो फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो फर्स्ट का एफबीडी अगर मैं बनाऊं, फर्स्ट का, तो इसके ऊपर लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो लग रहा है भाई 10 न्यूटन का आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे उसको धक्का देना ना आगे की तरफ, दिखा दिया मैंने पॉइंट से घुसते हुए, नीचे की तरफ उस पर लग रहा है 2g, ऊपर की तरफ इस पे क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, जो कि मैं नहीं ले रही अभी, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली बात कर रही हूँ, वैसे उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। चलो लिख लो, लिख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं, N1 हो गया, इसको N2 मान लो, ठीक है, और इस पे एक और फोर्स है। देखो यही मैंने आपको बोला था कि कुछ बुक्स में ना न्यूटन न्यूटन यूनिट होती है, इस वजह से N को R। बेटा माइक ऑफ कीजिए, ठीक है, तो ये 10 हो गया, इस तरफ आपका लग रहा है एक, ये वाला जो ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये हो गया N, ठीक है। इसकी बात अगर करें हम लोग, सेकंड का जो एफबीटी बनेगा वो क्या बनेगा? एक नीचे की तरफ लग रहा है उस पे 3g, एक आगे की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू फर्स्ट ब्लॉक N, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इसके ऊपर ड्यू टू थर्ड ब्लॉक, उसका नाम क्या दिया हम लोगों ने? N1।
और एक ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस की वजह से, यहाँ पे मान लो कुछ भी N3। फोर्थ सॉरी थर्ड, अगर फिगर का मैं बनाऊ, थर्ड ब्लॉक का बनाऊ अगर, तो ये इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कौन सा बेटा? N1, जो सेकेंड ब्लॉक थर्ड पे लगाएगा। एक उस पे नीचे की तरफ लग रहा है 4 × G, ठीक है, और एक उसके ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, मान लेते हैं नंबर N4 हो गया, ठीक है। अगर आपको N2 N3 N4 निकालने के लिए बोला होता तो आपने कहा, बोला भी है वैसे, चलो नॉर्मल रिएक्शन नहीं, बिटवीन 4 और 3 पूछा है, नहीं पूछा। सो N2 को आप 2G से कंपेयर कर देते, N3 को 3G से, N4 को 4G से, क्योंकि वर्टिकल मोशन है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर भाई तभी तो बैलेंस हो रहे, तभी तो वर्टिकल मोशन नहीं है ना, अगर बैलेंस नहीं होता तो ब्लॉक ऊपर उठ जाता। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो यहाँ पर देखो इस पे जो है आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए है, तो इसको हम फोर्स को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो जो फोर्स है, नेट फोर्स जो लग रहा है, दैट इज इक्वल टू मास जो उस ऑब्जेक्ट का है मल्टीप्लाई बाय में एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इस पे लगा रही हूँ तो ठीक है, N1 दैट इज इक्वल टू जो इसका मास है, यानी 4 × में ए आएगा। सेकेंड केस में यहाँ क्या आ रहा है, N- में N1 इज इक्वल टू M × में, M कितना है इसका, 3 × में ए। तो मैंने यहाँ पर G लिख दिया था गलती से, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3 × में ए, 3 × में ए। यहाँ क्या आएगा, 10- में 10 ही है बेटा, ये टेन माइनस में एन, दिस इज इक्वल टू इसका मास कितना है, 2 × में ए। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे N1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूं 4a, तो ये होएगा 4a इज इक्वल टू 3a, यानी n आपके पास कितना आ गया, 7a, यही आएगा ना 4, यस n इक्वल्स टू आएगा आपके पास कितना, 7a। अब n की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, 10- में 7a इज इक्वल टू 2a, ये आ जाएगा आपके पास किसके इक्वल, 10 इक्वल्स टू 9 ए, ठीक है। यहां से आपके पास ए निकल जाएगा, ए की फिर आप अलग अलग जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। निकालो जरा आंसर क्या क्या आएंगे आपके, एक मिनट रुको, मैं दोबारा करा रही हूँ तुम लोगों को, ये 18 न्यूटन लिखो जरा, फटाफट करते हैं, ठीक है। इसको नंबर वन मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, इसको थर्ड मानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का FBD अगर मैं बनाऊं, तो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आपके पास क्या है, नीचे की तरफ तो उसका वेट लगेगा, यानी कि 2 × में जी, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा, एक नॉर्मल रिएक्शन जिसको आप नंबर नंबर दे लो, जैसे इसमें आप ले रहे हैं N1, थोड़ा सिमिट्री से चलते हैं, इसको आप N1 ले लो, इसको आप N2 ले लो, इसको आप N3 ले लो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा N1, ठीक है। ये तो हो गया सारी बातें, सारे के हम लोग वर्टिकल पहले लिख लेते हैं, जैसे ये 3G हो गया, ऊपर आपके पास N2 हो गया, थर्ड केस में नीचे की तरफ आपके पास क्या है, 4 × G, और ऊपर की तरफ क्या है बेटा, N3, ठीक है। अब देखो हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं थोड़ा, एक तो इस पे लग रहा है 18 न्यूटन, तो ये हमने यहाँ लगा दिया 18। अब इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्सेस वगैरह है वो ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। एक लगाएगा ये 3 kg 2 kg पे इस तरफ, इसको हम नाम दे लेते हैं क्या, N। एक ये इस पे लगाएगा N, ठीक है, एक इधर लगेगा N- ले लेते हैं इसको, एक ये इस पे लगाएगा क्या, N-, ठीक है। अब इजी हो जाएगा थोड़ा, देखो इस 2 kg पे जो लग रहा है, एक तो लग रहा है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन, ये वाला। एक इसके ऊपर अगर हम 3 kg की बात करें, तो एक नॉर्मल रिएक्शन तो फर्स्ट ब्लॉक सेकंड पे लगा रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक थर्ड ब्लॉक सेकंड पे लगा रहा है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, N-। ऐसे ही अगर इसकी बात करें, तो इस पे सिर्फ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है N-, जो कि सेकंड ब्लॉक की वजह से है। क्या सभी को ये फोर्सेस समझ में आ गई, बोलो एक बार। मैम 18 है ये 10 है? 18 18 है, वो गलती से लिख दिया इसीलिए हमारा सारा कंफ्यूजन हो गया, 18 है बेटा, ठीक है, ये N3 है। अभी 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 क्या कर सकते हैं हम, बैलेंस अभी ये सारे इकट्ठे चल रहे हैं, सिस्टम जो है स्टिक्ड है, एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे सारे के सारे ब्लॉक, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी निकाल सकते हैं, देखो वर्टिकल मोशन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं N1 = 2G होएगा भाई, N2 = 3G होएगा, N3 =
फोर जी होएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जी की वैल्यू पुट करें, एन वन एन टू एन थ्री आ जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एन डैश, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, जो इसका मास है वो है फोर इंटू में जो इसका एक्सलरेशन है जो मैंने माना है ए, आगे वाले फोर्स को मैं पॉजिटिव मान रही हूँ। अब इसका भी एक्सलरेशन किधर है, इधर ही है, यानी कि एन माइनस में एन डैश दैट इज इक्वल टू थ्री इंटू में ए। ऐसे ही आप यहां लिखेंगे 18 माइनस में एन, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज इट्स मास, टू इंटू में ए। अब यहां से सॉल्व करते जाओ जरा, एन माइनस में फोर ए इक्वल्स टू थ्री ए, मतलब मैंने यहाँ पर एन डैश की वैल्यू पुट कर ली तो ठीक है, एन आ गया आपके पास सेवन ए। अब एन की वैल्यू यहाँ पर सेवन ए पुट कर दो, सेकेंड केस में 18 माइनस में सेवन ए इक्वल्स टू टू ए, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाइन ए के इक्वल, यानी ए कितना आ गया आपके पास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अभी समझ में आया? कंफ्यूजन हो गया था, एक तो पहला कंफ्यूजन ये हुआ कि हमने ए को जी मान लिया, ठीक है, और दूसरा कंफ्यूजन ये कि मैंने वैल्यू ही थोड़ा गलत लिया हुआ था। अच्छा, अब इसको आप एक सिस्टम से भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये पूरा एक सिस्टम है, अगर इसको पूरा सिस्टम अगर आप माने कि ये एक पूरा सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा है ना सारा, ये सारा एक एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, तो अगर हम एफ नेट इज इक्वल टू एम नेट इंटू में ए कर दे तो वहां से भी ए निकल जाएगा। जैसे एफ नेट कितना लग रहा है, 18, एम नेट देखो कितना है बेटा, व्हाट इज एम नेट, ऐड कर लो, 2, 3 और 4 कितना हो गया, 9, ए कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर मैच हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स में थोड़ा सा आप रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करें, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, और इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ओके? चलो देखो, ये वाला वो केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि सिस्टम का है, मतलब दोनों m1 m2 सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है। जैसे इन्होंने लिखा है कि फाइंड a ऑफ m1 एंड m2 व्हेन ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। सरफेस स्मूथ होने का मतलब क्या है, अब वो दोनों चिपके हुए नहीं है, कि अगर आप m1 पे कोई फोर्स लगा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से, वो चलेंगे ही नहीं जब तक स्मूथ सरफेस है, सेम एक्सेलरेशन से नहीं चलेगा वो, स्लाइड करने, नीचे वाला इसके ये वाला है, ये नीचे वाला आगे की तरफ चलेगा और ये यही का यही रहेगा, मतलब ये इसके ऊपर स्लाइड करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग A2 नेमिंग दे लेते हैं। A2 कितना हो गया, चलो हम लोग फोर्स तोड़ते हैं, फोर्स कंपोनेंट से भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो F ही ले लो, ये F ले लो, इसका हम FBT बनाते हैं, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, तो फर्स्ट का FBT बना लो बेटा, एक तो नीचे लगेगा M1G, ठीक है, एक इस पे फोर्स लग रहा है एफ आगे की तरफ, एक इस पे लगेगा ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। तो अगर ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो सीधी सी बात है ना कि ऊपर वाला तो वर्टिकल वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, एन इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, एम वन इंटू में जी के इक्वल आ जाएगा, जो भी वैल्यू गिवन होगी आप एन नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। मान लो मास दे दिया अगर आपको, एम की वैल्यू 10 दे दी तो 10 मल्टीप्लाई बाय जी कर दो, तो m1 into में g हो गया, क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं है, हॉरिजॉन्टली मोशन है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब आगे की तरफ एक ही फोर्स है, नेट फोर्स इस पे F ही है, एंड दैट इज इक्वल टू जो इसका मास है m1 into में एक्सेलरेशन जिसे मूव किया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जो भी आप फोर्स लगाएंगे डिवाइडेड बाय इसका मास कर दीजिए, ये हो गया। सेकेंड का FBT बनाओ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बोल रहा है क्या कि स्मूथ सर्फेसिस है, ठीक है, तो पहली बात ये जो एक्सेलरेशन है ये यहाँ नहीं आएगी। अभी देखो फोर्स देख लो कौन कौन से, इस पे आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, इस पे पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा अगर इसका एफबीटी बनाएंगे, ऊपर एक आएगा मान लो एन डैश और नीचे भी आपके पास इसका आएगा एम टू जी, ठीक है, तो इसके ऊपर ये दो फोर्स आएंगे, एंड वर्टिकल मोशन है ही नहीं तो एन डैश इक्वल्स टू एम टू जी आएगा, इसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स नहीं है तो एफ नेट जीरो है is equal to mass m2 into acceleration. Acceleration क्या हो जाएगा? Zero हो जाएगा। और आप ये थोड़ा फील भी कर सकते हैं, अगर स्मूथ है तो इकट्ठे नहीं चलेंगे, यानी एक्सलरेशन जो है सेम नहीं है। अब इनर्शिया की बात करें, इस पे कोई फोर्स ही नहीं अगर लग रहा तो रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहेगा, नीचे वाला उसके साथ स्लाइड करता हुआ चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम
टेंशन वाले जो क्वेश्चंस है फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और हम थोड़ा पुली के बारे में डिस्कस करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, अगर आप ट्राई करना चाहो तो पीछे की तरफ ऐसे टेंशन लगेगी, फिर नेट फोर्स मान लीजिए इधर ही एक्सेलरेशन है तो एफ माइनस में टेंशन, बस यहाँ पर यही है और कुछ भी नहीं है। मैम केमिस्ट्री क्लास है मैम। हाँ 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 आई अंडरस्टैंड, ओके आप लोग जा सकते हैं। पहले बस ये बता दो थोड़ा समझ में आ गया है नहीं आ गया। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है।